नमस्कार दर्शकों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, आज हम अपने बगीचे जा रहे हैं हर रोज़ की तरह, और अपने बगीचे के ठीक सामने अपने घर का ट्रैक्टर फिर से फंस गया है, तो उसे निकालना है। और शाम को फंसा था और डर था कि कहीं ट्रैक्टर का सामान चोरी वोरी ना हो जाए, फिर भी हमने ट्रैक्टर को बगीचे के बाहर छोड़ दिया है ना, क्योंकि अपने गाँव में चोरी वोरी का मामला उतना बढ़ा नहीं है, इसलिए ट्रैक्टर वैक्टर भी इधर उधर छोड़ते बन जाता है। फिलहाल अभी यहाँ एक और ट्रैक्टर चल रहा है, यहाँ से ट्रैक्टर को लेकर जाएंगे अपने बगीचे के पास और वहाँ से टोचन बांधकर अपने ट्रैक्टर को निकालेंगे। तो अभी फिलहाल हम यहाँ बगीचे में रुकते हैं, देखते हैं ट्रैक्टर का क्या हालचाल है ना, मिल जाएगा तो फिर लेकर जाएंगे। मेरा भाई ट्रैक्टर का चाबी लेकर आएगा, फिर आएगा सीन दिखाएंगे। फिलहाल अभी इधर अंदर चलते हैं और पता करते हैं ट्रैक्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा है ना। ये वही ट्रैक्टर है जिससे कि हम अपना ट्रैक्टर को निकालेंगे है ना। अभी यहाँ चिखला कर रहा है, थोड़ी देर में अपने बगीचे के पास जाएगा। इधर सारे के सारे खेतों में चिखला किया जाएगा। दर्शकों, ट्रैक्टर जा रहा है अपने बगीचे के पास और हम भी चल रहे हैं इसके पीछे पीछे। तो अभी टोचन बांधेंगे और ट्रैक्टर निकालेंगे अपना। एक लोटा गुड़ सुनेंगे, चलो 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 बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने तुम्हें बुलाया है, चलो 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 चलो। उधर फंसा है अपना ट्रैक्टर, देखिए ट्रैक्टर को जुताई किए हुए खेतों में ऐसे ले जाना पड़ता है ना, हल चलाते हुए। इधर पहाड़ों का सीन देखिए, इधर अपना खेल चलने वाला है अभी। ये टोचन टोचन के चक्कर में तो मैं अपना दांत टूटवा दिया। छड़ टूट चुका है, चेन टूट चुका है, अब रस्सी बांध रहे हैं।
दर्शकों, अभी हम ट्रैक्टर का बैटरी बदल कर स्टार्ट करेंगे। ये बैटरी डाउन है ना, इसीलिए दिक्कत हो रहा है ना। बैटरी चेंज करते हैं, फिर सेल्फ मारेंगे और स्टार्ट करके लेके जाएंगे। एक्सचेंज कर रहे हैं बैटरी, ठीक है। ट्रैक्टर को स्टार्ट करके बैटरी वापस उसी ट्रैक्टर में लगा देंगे, है ना। हाँ बस बस बोलिए, इतनी दस हज़ार चार थोड़े थोड़े जा। दर्शकों, 10:37 हो रहे हैं और लगभग आधा एक घंटा इस ट्रैक्टर को स्टार्ट करने में लग गया है ना। टोचन बांध कर तुरंत निकाल लिए, लेकिन अपने को स्टार्ट करने में टाइम लग गया। पूरा फ्यूल टैंक साफ करना पड़ा एक बार, सारा सारा डीजल निकाले इन बाल्टी में, फिर वापस डाले कचरा उचरा साफ करके, है ना। फिर अभी स्टार्ट हुआ है, चलो सही है। दर्शकों, अभी हम हैं रोड तरफ के खेत के पास आए हुए हैं। इधर मेड़ों को छीलने वाला काम चल रहा है। देखिए कितना पानी भरा हुआ है इसमें। इधर काम चल रहा है। अभी यहाँ पे पूरा छिलाई का काम चलेगा। यहाँ होने के बाद वो पहाड़ देख रहे हैं ना, उधर किनारे में एक खेत है, वहाँ पे चलेंगे और ऐसे ही किनारे किनारे को छिलाई करेंगे। इधर भी छिलाई कर रहे हैं, लगभग 20% बचा हुआ है छिलाई करने के लिए, 80% कंप्लीट हो चुका है। चली होइस कंप्लीट। एक दिन पहले के धान है, एक हफ्ता हो थोने है रमेश सर, एक हफ्ता हो थे ला। 11 दिन में अटकी निकल गई पूरा कदे। कोसम खाबो था, चलो है। एक ऐसे घोल देखा तुम्हें घर। ओ अध्याय एक ठीक घूल है इकर कोई दे देने लगा अटार दा। दर्शकों, अभी आए हैं हम पेड़ के ऊपर में। यहाँ पे है अपना टारगेट इस जगह पे, तो यहाँ से कोसम तोड़ते हैं। देखिए काफ़ी ऊपर चढ़ चुके हैं, रोड के किनारे ही है। देखिए दर्शकों, ये देखिए कितना सारा कोसम ले। रामो पानी फेंको झोंक बे, एतिया 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 साइड। झोंके देख रहे हो, गलती करे नहीं झोंके रहे, कुछ नहीं हो रहती। अभी हम पेड़ से उतर रहे हैं इधर, और कुसुम है साइड, लेकिन गुच्छे में नहीं है, दो दो तीन तीन करके हैं यहाँ पे। तो अभी यहाँ से उतरते हैं नीचे। ये देखिए ऊपर से गिरा है कटहल और हम इसे खाते हैं। पेड़ का पका हुआ फल कतई जहर है, मजा आ रहा है।
दे पाना उन्ना पान लटोर ने पन्ना तो हम सम पेड़ की डालियों को काट दिया गया है। देखिए यह है कुसुम पाका। सही है, बढ़िया। ये देखिए दर्शकों, कुसुम पकड़े हुए हैं तो इस सारे के सारे कुसुम का भी खाते हैं, है ना। यार कटहल मिल गया अपने को, कटहल खा लिए, कुसुम मिल गया, पेट भर चुका है मस्त। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, इधर काफ़ी बढ़िया माहौल है। ऊपर से ये कुसुम ट्रैक्टर देखे करते। चलो दर्शकों, सारे के सारे भूतिया लोग इधर जा रहे हैं खाना लेकर, है ना। खाना खाने का टाइम हो चुका है। इधर पेड़ों की डालियों को काट दिया गया है, है ना, सफाई करने के लिए। अब हवाएं रोशनी अंदर तक आएंगी और धान यहाँ पे अच्छे से होगा। यहाँ डालियाँ हैं, यहाँ पूरा फैल गई थी तो यहाँ पे धान नहीं उगता था, है ना, इस वजह से यहाँ डालियों को काटा गया है। सही है। चलो पागल हो जाए, दर्शकों अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, अपना खाना पीना हो चुका है और अभी ट्रैक्टर भी आ चुका है, है ना। यहाँ पे चिखला किया जाएगा। ये आ गया ट्रैक्टर, पानी पानी। दर्शकों अभी इस खेत से पानी को नीचे वाले खेतों में भेजा जा रहा है। अगर पानी ऐसे ही रहेगा तो चिखला अच्छे से नहीं हो पाएगा, इसलिए अपने को पानी खाली करना पड़ रहा है। तो ट्रैक्टर का अभी तो अभी ट्रैक्टर नीचे आते आते तक लगभग पानी आधा खाली हो जाएगा। चलो सही है। इधर भी फोड़ दिया गया है इस जगह पे, देखिए पानी अच्छे से भग रहा है। इधर का मौसम देख सकते हैं दर्शकों, काफ़ी बढ़िया कर रखा है। Thank you.
दर्शकों अभी 2 बज चुके हैं, आधा घंटा हो चुका है लगभग। और देखिए अपना पूरा खेत चिकला चिकला हो चुका है, यह देख सकते हैं, है ना। इस कोने में चल रहा है, सोना में छोटा सा हिस्सा बचा है उसमें चिकला किया जा रहा है। और पानी देखिए किस तरीके से होता है, इतना ज़्यादा पानी भग रहा है ना, यहाँ पे भगाया जा रहा है, पानी तो सूखना ही है। सही है, बढ़िया चिकला हो रहा है, अच्छा है। इधर नीचे वाले खेतों में अच्छे से पानी भर है, देखिए बढ़िया। दर्शकों अभी खेतों में चिकला किया जा रहा है, तो किनारे किनारे जितने भी मिट्टी फिर से जाम हो रहे हैं उसे बीच में फेंकते जा रहे हैं, तो पूरा एक राउंड ऐसे ही काम करना पड़ेगा ना। चलिए हम भी पढ़ा लेकर आते हैं, करते हैं काम। ऐसे काम करना पड़ेगा दर्शकों, दर्शकों अभी 3 बज रहे हैं और ट्रैक्टर अपना काम करके जा रहा है। यहाँ पे 2 राउंड करना पड़ा है ना, ट्रैक्टर को घुमाना पड़ा इस खेत में, तो 1.5 घंटा लग गया है। और 1.5 घंटे में देखिए पूरा चिखला ही चिखला, सही है। तो शाम तक धान बुनाई हो जाएगी यहाँ पे, भाटा सोना धान यहाँ पे बुनाई करेंगे। डीएपी का अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं और इसमें अभी डीएपी राखड़ सिंचाई हो चुका है। अब इसे एक बार समतलीकरण करेंगे ऊपर की मदद से, फिर धान बुनाई हो जाएगा, है कि नहीं। और अभी आप लोग को एक जादू दिखाता हूँ, देखिएगा ये कछेर पत्ती है ना, इनमें देखिए पानी गिराने से कैसे होता है। ये रहा मिट्टी वाला पानी, ये देखिए कोई परख नहीं पड़ रहा है कैसे, ये देखिए ये है ना, कमाल का जादू। और दिखाता हूँ, ये देखिए पूरा पत्ती साफ हो गया। शाम के 5:15 हो रहे हैं और धान बुआई स्टार्ट हो चुकी है दर्शक। उधर लास्ट से शुरू कर रहे हैं, तो हूँ बन बेधान है जी का भंटा सोना है या जी हाँ भंटा सोना यू है भंटा सोना। अब
आज के हो जाए कोई मैं कहा था हो जाए मुझे पतला पतला हो ही करे हलाने वाला की गोजनी या पैसे लेकर सफेद लालान के हैं ते बनी पानी का इसे हन देखो तो कई थोई है मां पानी है इसमें हां तो पीना है दे आधा गिलास मोला दे आधा गिलास ते पी एक ते के खाणी हुई धान है के खाणी मतलब यार 20 तान 20 ताई मतलब 40 किलो की 20 किलो 40 हो जाही धान बुआई चल रहा है इधर से भी चल रहा है इधर से भी चल रहा है तो दर्शकों अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और अपने खेतों में धान बुआई चालू हो चुकी है। 3 लोग बुनाई कर रहे हैं और हम निकल रहे हैं घर की ओर। बगीचे से होते हुए घर जाएंगे है ना, और आधा घंटा ही लगेगा। 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट में धान बुआई कंप्लीट हो जाएगा। तो दर्शकों आज दिन भर निकल गया इतने ही खेत में, लगभग एक एकड़ है यहाँ पे खेत, तो इसी खेत में धान बुआई करते करते आज दिन भर निकल गया। 9-10 बजे से लगे हुए थे और देखिए अभी शाम के 6 बजने वाले हैं है ना। काफ़ी मज़ा आया आज के काम में, काफ़ी अच्छा लगा। और कल भी और काम करना है अपने को, खेतों में धान बुआई करना है पहाड़ साइड के खेतों में, ठीक है। तो आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए, मैं आप लोगों को पहाड़ साइड का भी सीन दिखाऊंगा, ठीक है। तो दर्शकों आज का ब्लॉग तो बस यही रहा, उम्मीद है आप लोग को हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा है ना। तो चलिए दर्शकों आज के ब्लॉग में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। तब तक आप व्यस्त रहें, मस्त रहें, दिल बांटते थे, जीवन की तारीख चिंता करना है। शिव टेक केयर, गुड नाइट, टाटा बाय बाय।